जब उन्होंने यह देखा कि यह बालक बहुत सुंदर है तो उसे 3 महीने तक छिपा रखा, और जब वह उसे और ना छिपा सके तो सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उसने बालक को रख कर नील नदी में कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन मरियम दूर खड़ी उस बालक को देखती रही कि उस बालक का क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नील नदी के किनारे आई। उसकी सहेलियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी देखकर अपनी दासी को उसे लाने के लिए भेजा। जब उसकी दासियां उस टोकरी को फिरौन की बेटी के पास लाई तो उसने उसे खोलकर देखा कि उसमें एक रोता हुआ बालक है। तब उसे उस पर तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इबरी का बालक होगा। तो उस बालक की बहन मरियम जो दूर